क्या नाम है सर आपका? सर मेरा नाम शुभदीप दास चौधरी है। ओके मैं कोलकाता से हूँ सर। अच्छा शुभदीप जी, क्या करते हैं आप? मैं एक टीचर हूँ सर, मैं सिखाता हूँ, क्लासिकल सिखाता हूँ। अच्छा और मैं सर क्लब में परफॉर्म भी करता हूँ मैं। अच्छा, तो ऐसा कभी हुआ है आपके स्टूडेंट्स क्लब में आए, आपसे मिले, आप जब परफॉर्म कर रहे हैं? ये तो मैं शेयर नहीं कर पाता उनसे एक्चुअली। मैं पब में गाता हूँ, मतलब उनको अगर पता चली तो उनके पेरेंट्स प्रॉब्लम करेंगे, तो मैं बता नहीं पाता उनको। नहीं नहीं नहीं, तो आप पब में जब गाते हो या क्लब में गाते हो तो क्या गाते हो आप? मैं नॉर्मल बॉलीवुड सॉन्ग्स गाते हूँ। अच्छा, हाँ जी सर। तो आपके कभी स्टूडेंट्स आ गए तो उनको मतलब हो तो देख लेंगे, आप कैसे छुपाओगे? हाँ जी सर, ऐसा एक दो बार हुआ था, उसके बाद उनके पेरेंट्स फिर मतलब दे क्विटेड। तो आपने फिर क्या किया, मतलब इसका क्या मतलब सोल्यूशन क्या निकाला आपने? मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि बालों में जानकारी नहीं है मेरी, लेकिन मूछों में थोड़ी बहुत जानकारी है। क्या ये, अच्छा ये असली नहीं लग रहा मुझे, ये जो मूछ है इनकी, ये थोड़ी सी डाउटफुल लग रही है मुझे। नहीं असली नहीं है। Am I right, am I wrong? गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। मैं बताना नहीं चाह रहा था, ये असली नहीं है। क्यों लगाई तुमने? डिस्गाइज है सर। गोलमाल है, सब गोलमाल है। आपको आपको गोलमाल पिक्चर याद है? अमोल पालेकर है। दो है, जुड़वा है कहीं। ये उतार दीजिए सर, दिखाइए। Oh my God! गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। तो ये क्लासिकल अवतार है आपका? हाँ जी सर। तो मूछ लगाते, नाम भी बदलते? नहीं, मूछ मेरा जब रहता है सर, मेरा शुभोदी भी नाम रहता है, जब मैं निकाल लेता हूँ मेरा आदित्य नाम हो जाती है। अच्छा अब आप क्या गाओगे? सर मैं केत की गुलाब ये सोच के आया हूँ सर। I wish you all the best. Go for it. थैंक यू सर। बिलीव नहीं हो रहा मुझे।
Okay, I just want to point out कि साथ में जब मैंने सर सर एक सेकंड ये जो शख्स हैं जो उठक बैठक कर रहे हैं वहाँ पे इनका नाम है श्री अनु मलिक जी. उन्होंने बहुत सारा लेजेंडरी म्यूजिक भी किया है. उसमें से ऊंची बिल्डिंग भी है. ओके और मोमो के धागे भी है. मेरी फेवरेट है. करेक्ट. तो आपको मूंछों की जरूरत नहीं है इज व्हाट आई एम सेइंग क्योंकि वो भी एक ही रूप में सब करते हैं. एग्जैक्टली. और कोई ऐसा नहीं बोलता कि आप क्लासिकल नहीं कर सकते या बॉलीवुड नहीं कर सकते. और अगर कोई ऐसा बोलता है तो बहुत बड़ा चूजा है वो. आई थिंक यू नो अभिषेक एंड नेहा इनकी जो होते हैं ना ट्यूशन की क्लासेस होते हैं और जिस दिन तुम सितारा बन जाओगे ना तो ये सब ड्रामा करना भी बंद हो जाएगा. आज इस परफॉर्मेंस को देखने के बाद मैं दावे से कहता हूँ जिस वक्त वही पेरेंट्स जो छोड़ के चले गए थे ना तुम्हें यहाँ देखेंगे ना तो बोलेंगे पब में गाओ किधर भी गाओ हमारे बच्चे को सिखाओ. मेरी तरफ से हाँ है. फैंटास्टिक सिंगिंग. आउटस्टैंडिंग सिंगिंग. मेरी तरफ से होल हार्टेड हाँ. आई विल टेल यू व्हाई. बिकॉज इस साल मैंने डिसाइड किया था कि मैं टेक्निकलिटीज पे बहुत कम ध्यान दूंगा. इस साल मुझे सिर्फ कंटेस्टेंट में सच ढूंढना था. Wow. Okay? और आपकी आंखों में आपके गायकी में आपके स्वभाव में आपके वेशभूषा में हर एंगल से सच दिखाई दे रहा है और सुनाई दे रहा है. एंड आई एम प्राउड टू हैव यू ऑन द स्टेज. हम तीनों की तरफ से हाँ है. सिंगर्स यू गॉट या तगड़े या 11 भी बजाएगा सबके 12. शुभदीप को तो गोल्डन टिकट मिल गया लेकिन वो जजेस के पास छोड़ गए अपनी मूंछें. अभी मैंने देखा है एक्चुअली उदित नारायण जी लग रहे हैं. ये बिल्कुल जेंडर न्यूट्रल शो है नेहा. इट एक्चुअली वर्क्स. आई एम नॉट किडिंग. इट डज. हाँ थोड़ी सिंधी लग रही है.